हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ नो द क्रीम की। ये एक मेडिकेटेड क्रीम है। ये क्रीम के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किस टाइप के स्किन इश्यू होने से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपके पास पहुँची रहे। गाइज़, बात करें नो द क्रीम के फ़ायदे की, तो गाइज़ अगर आपके फेस पर दाग दबे हो, की प्रॉब्लम हो, फेस पे झाइयाँ हो, मिलाजमा हो, जो कि आजकल कॉमन प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, ब्राउन स्पॉट है, एक्ने मार्क्स है, तो अगर आपके सन के कारण इसकी काली पड़ गई है, गोरापन पाना चाहते हैं, तो उस केस में नो द क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रीम स्किन के डार्क करने वाली मेलानिन की मात्रा को कम करती है, स्किन को सॉफ्ट बनाती है और दाग धब्बे को कम करती है, स्किन के रेडनेस और सूजन को कम करती है। तो बात करें इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डले हुए, तो इसमें है हाइड्रोक्विनोन, मोमेटासोन और टेटिनोन डला हुआ है। हाइड्रोक्विनोन ब्लीचिंग का काम करता है, आपकी स्किन के डेड सेल को रिमूव करता है, पिगमेंटेशन दाग धब्बे को रिमूव करता है, स्किन पे नई जान लाता है। एंड टेटिनोन का भी वही काम होता है, आपके चेहरे में डेड सेल को रिमूव करना, रिंकल फाइन लाइंस को दूर करना, स्किन पे ग्लो लाना। मोमेटासोन का काम होता है चेहरे पे जो लालपन सूजन हो जाती है, केमिकल के साइड इफेक्ट को दूर करना। मोमेटासोन एक एस्ट्रॉइड है, ये एक केमिकल बेस क्रीम है। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे इस्तेमाल करते हैं। एंड ये क्रीम का एक्चुअल यूज़ दाग धब्बे मिलाजमा के लिए है, लेकिन कोई कोई ये क्रीम को एज अ फेयरनेस क्रीम, एज अ वाइटनिंग क्रीम की तरह यूज़ करते हैं एंड करते रहते हैं, तो फिर बाद में जाके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो गाइज, इसे आपको डॉक्टर की सलाह से यूज़ करना है। डॉक्टर आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं, अच्छे से एडवाइस दे सकते हैं कि ये क्रीम को आपको कितना दिन तक यूज़ करना है। एंड जैसे ही आपके चेहरे से दाग धब्बे मिट जाते हैं, वैसे ही आप इसे धीरे धीरे करके छोड़ना है। तो बात करें एप्लीकेशन की, तो इसे आपको एज ए नाइट क्रीम की तरह यूज़ करना है। एंड फेस वॉश करने के बाद मटर के दाने बराबर मात्रा में लेके इफेक्टेड एरिया में लगाना। दिन में सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप घर पर हो या बाहर हो। गाइज, ये क्रीम के फ़ायदे बहुत है, लेकिन आप इसे कंटिन्यू लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, जैसे धूप में आप बाहर जाते हो तो स्किन लाल पड़ना शुरू हो जाती है, फेसियल हेयर आने के चांस रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम सबके ऊपर नहीं होती, लेकिन किसी किसी को ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो आप रात को रोज़ाना एलोवेरा जेल का मसाज करें। एंड ये क्रीम की प्राइस की बात करें, तो ये 128 रुपीज़ है। 20 ग्राम का ये प्रोडक्ट है, यह आपको कोई भी केमिस्ट स्टोर में ईजिली मिल जाता है, ऑनलाइन से भी आप परचेस कर सकते हैं। तो गाइज, यही थी मेरी आज की रिव्यू। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी रिव्यू अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।